रश्मि देसाई ने उमर रियाज को कहा आई लव यू। आखिरकार अपने दिल की बात जुबा पर लाती हुई नजर आई है रश्मि देसाई। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल पर। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं किया है फॉलो तो स्निगी स्निग्धा के नाम से जल्दी से कर ले फॉलो। आपको बता दूं कि रश्मि देसाई और उमर रियाज हैशटैग उमरश आप हमेशा से इस कपल को देखना पसंद करते हैं। ऐसे में फाइनली लगातार देवोलेना और अभिजीत बिचुकले के बीच जो पंगे चल रहे थे उसी बीच जब रश्मि देसाई कूद पड़ी तो देवोलेना रश्मि से भी लड़ पड़ी। यहां तक कि देवोलेना ने यह इल्जाम लगा दिया कि बिग बॉस सीजन 13 में रश्मि सिद्धार्थ के पीछे पड़ी थी और अब बिग बॉस सीजन 15 में रश्मि उमर रियाज के पीछे पड़ी हैं। ऐसे में रश्मि को आया गुस्सा देवोलेना के इन बातों पर, जिसके बाद सार्कास्टिक अंदाज में रश्मि ने उमर रियाज को आई लव यू कह डाला। ऐसे में आई लव यू कहने के बाद जब रश्मि देसाई बैठी हुई थी तो वहीं तेजस्वी प्रकाश भी पास आकर बैठती हैं और रश्मि से उनकी दिल की फीलिंग्स जानने की कोशिश करती हैं कि आखिरकार वो उमर के लिए क्या फील करती हैं। जिस पर रश्मि देसाई ने कहा कि मैं उमर के लिए फीलिंग्स तो बिल्कुल रखती हूँ, लेकिन मैं डरती हूँ कि उमर रियाज क्या फील करते हैं मेरे लिए। तो ऐसे में फाइनली रश्मि देसाई ने अपने दिल के फीलिंग्स का इजहार कर दिया है और बता दिया है कि वो फील करती हैं उमर रियाज के लिए, लेकिन डरती हैं कि उमर क्या वाकई उनके लिए फील करते हैं या नहीं। तो फाइनली हैशटैग उमरश का चला प्यार का जादू। क्या कहना चाहेंगे आप इस फीलिंग्स के बारे में, कमेंट करके जल्दी से बता दें। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें चैनल के साथ।